दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जैसा ही FIR भी सोनी सब के वन ऑफ द मोस्ट फेमस शोज में से एक था, जिसकी पॉपुलैरिटी उस समय इतनी ज्यादा हो गई थी कि इसे इंडियन टेली अवार्ड्स ने बेस्ट सिटकॉम कैटेगरी के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। लेकिन जहां तारक मेहता का उल्टा चश्मा आज भी चल रहा है, तो वहीं पर FIR को साल 2015 में अचानक से बंद कर दिया गया था। तो आखिर वो कौन सा कारण था जिनके चलते इस बेहतरीन शो को बंद करने की नौबत आ गई, और क्या इसे दोबारा से शुरू किया जाएगा, चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, जब साल 2006 में FIR की शुरुआत हुई थी, तब इसके मेकर्स ने भी नहीं सोचा था कि उनके इस शो को लोग इतना ज्यादा पसंद करेंगे कि ये उस टाइम के टॉप शोज में से एक बन जाएगा। ये बेसिकली एक सिचुएशनल कॉमेडी सीरियल था, जिसकी कहानी एक हरियाणवी फीमेल पुलिस ऑफिसर और उसके 3 सबऑर्डिनेट्स के बीच घूमती रहती है। ये सभी रावणपुर में ईमान नाम की एक चौकी में पदस्थ होते हैं, और जब भी कोई केस इनकी चौकी में आता है, तब ये उसे अपने ढंग से सॉल्व करते हैं, जिसके बीच में दिखाई गई कॉमेडी बहुत ही ज्यादा लाजवाब होती थी। Well, mom, what is the plan? Is the खुले हुए हैं मेरे कान, is the अब देखो, हर न्यू एपिसोड के साथ ना व्यूअर्स को एक नया केस सॉल्व होते हुए देखने को मिलता था। मगर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सिर्फ ये केस सॉल्विंग और कॉमेडी वाला एलिमेंट ही इसे इंटरेस्टिंग नहीं बनाता था, बल्कि ये अपने लव एंगल्स की वजह से भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। दरअसल इस शो में दिखाया जाता है कि फीमेल पुलिस ऑफिसर चंद्रमुखी चौटाला को सबसे पहले अपनी ईमान चौकी के चीफ इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे से वन साइडेड लव हो जाता है, मतलब वो अपने प्यार को उनके सामने कन्फेस नहीं कर पाती। इसके बाद चौकी में राज आर्यन नाम के दूसरे इंस्पेक्टर आते हैं, और इस बार इंस्पेक्टर राज को चंद्रमुखी चौटाला से वन साइडेड लव हो जाता है। और फिर इंस्पेक्टर राज के जाने के बाद एंट्री होती है इंस्पेक्टर बजरंग पांडे की, जिनसे चंद्रमुखी भी प्यार करती है और वो भी चंद्रमुखी से प्यार करते हैं, बस कभी ये स्वीकार नहीं करते। साल 2015 में बंद होने के बाद फिलहाल तो इस शो का कोई भी एपिसोड नहीं आया है, पर फिर भी इस शो के फैंस ऐसा मानते हैं कि ये कभी ना कभी फिर से कमबैक करेगा ही, क्योंकि साल 2015 में ऑफ एयर होने के पहले भी ये शो 2-3 बार बंद होकर दोबारा से चालू हुआ था। इस शो के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसकी फीमेल ऑफिसर चंद्रमुखी चौटाला थी, जिनका रोल एक्ट्रेस कविता कौशिक किया करती थी। लेकिन दोस्तों, एक समय ऐसा भी आया था ना जब कविता कौशिक ने इस शो को छोड़ दिया था, जिसके बाद मेकर्स के सामने इतनी ज्यादा दिक्कतें आ गई कि उनके शो में 20 साल का लीप लेना पड़ा। मतलब कि वो शो में करीब 20 साल आगे की स्टोरी दिखाने लग गए, जहां चंद्रमुखी चौटाला की जगह उनकी बेटी ज्वालामुखी चौटाला ने ले ली थी। अब मेकर्स को ऐसा लगा कि उनका ये आइडिया वर्क करेगा और वो दोबारा से ऑडियंस को FIR के साथ बांधने में कामयाब हो जाएंगे, पर असल में कुछ और ही हो गया। अब यार आप ही बताओ ना, ऐसे स्टोरी को एकदम से 20 साल आगे ले जाना कैसे फायदेमंद हो सकता है, और वो भी तब जब शो का मेन कैरेक्टर ही शो में ना हो। वेल, होना क्या था, एज एक्सपेक्टेड इसकी स्टोरी काफी ज्यादा बोरिंग हो गई और लोगों ने FIR देखना बिल्कुल बंद ही कर दिया। अब जल्दी मेकर्स को ये समझ में आ गया था कि 20 साल के लीप वाले इस आइडिया से उनका शो वर्क नहीं करेगा, और इसी को देखते हुए उन्होंने दोबारा से एक्ट्रेस कविता कौशिक को अप्रोच करने की कोशिश करी, और किस्मत से कविता FIR में वापसी के लिए तैयार हो गई। अब दोस्तों, अगर आपको शो की स्टोरी थोड़ी सी भी याद होगी ना, तो आपको ये भी मालूम होगा कि मेकर्स ने 20 साल वाले लीप को कैसे एडजस्ट किया था। याद नहीं आ रहा, तो चलो मैं बता देता हूँ। देखो, मेकर्स ने यहाँ पर 20 साल वाले इस लीप को गोपी के सपने के रूप में प्रेजेंट कर दिया, मतलब कि उन्होंने दिखाया कि गोपी सपने में 20 साल आगे चला जाता है और चंद्रमुखी की बेटी ज्वालामुखी को नई ऑफिसर के रूप में देखता है। एक बार जैसे ही चंद्रमुखी वापस से शो पर आती है, तब ये शो फिर से चल पड़ता है, मतलब इसे पहले जैसे ही TRP मिलने लग जाती है, जिसको देखते हुए शो के मेकर्स लगातार इसके एपिसोड्स रिलीज करते जाते हैं। और तभी 2 साल बाद साल 2015 में अचानक खबर आती है कि ये शो बंद हो गया। शुरुआत में तो लोगों को लगता है कि शायद कविता कौशिक ने इस शो को फिर से छोड़ दिया था, पर बाद में ये पता चलता है कि कविता ने चैनल को छोड़ा ही नहीं था, बल्कि वो तो FIR के बंद हो जाने के बाद सोनी सब के ही डॉक्टर भानुमति ऑन ड्यूटी नाम के शो में काम करने लगी थी। हालांकि उनके नए शो में उनका रोल इतना अच्छा नहीं था, इसलिए जल्द ही इस शो को भी बंद करना पड़ गया था, पर इसने कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया था कि FIR के बंद होने के पीछे का रीजन कविता कौशिक तो बिल्कुल भी नहीं है। पर सवाल ये है,
कि आखिर ये बंद हुआ तो हुआ क्यों। तो देखो दोस्तों, किसी भी शो के बंद होने के पीछे ना अमूमन तीन रीजंस होते हैं, जिनमें से पहला है शो को टीआरपी ना मिलना, दूसरा है चैनल और प्रोडक्शन हाउस के बीच बात ना बनना, और तीसरा है कंटेंट का खत्म हो जाना। अब देखो, जहां तक बात एफआईआर की है तो इसके साथ टीआरपी वाला इश्यूज तो बिल्कुल भी नहीं था, जिसके चलते ऐसा कहा जा सकता है कि शायद चैनल वालों और प्रोडक्शन हाउस के बीच आगे के एपिसोड्स पर बात नहीं बन रही होगी, जिस कारण से इस शो को आखिरकार बंद ही करना पड़ गया। अब शायद ही आपको मालूम हो कि सोनी के ही वन ऑफ द मोस्ट फेमस शो सीआईडी के साथ भी ठीक यही हुआ था। दरअसल सीआईडी अपने पीक पर था, तब उसी दौरान उसके प्रोडक्शन हाउस और चैनल के बीच कोई मैटर हो गया था, जिस कारण सीआईडी जैसे फेमस शो को भी पूरी तरह से बंद करना पड़ गया। वैसे एफआईआर से जुड़ी ऐसी कोई पुख्ता खबर तो नहीं है, पर इतना जरूर है कि जब ये शो बंद हुआ था तब उस दौरान ऐसी खबरें आई थी कि इसके राइटर्स के पास अब आगे के लिए कंटेंट नहीं बचा है, और वो अब इस शो की जगह पर कुछ और नया ट्राई करने का सोच रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सही भी था, वरना कंटेंट को और ज्यादा खींचने पर उसकी क्वालिटी के ऊपर तगड़ा असर पड़ता है। अब देखो, इतना तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी शो हमेशा तो नहीं चल सकता, और उसे अक्सर किसी दूसरे आइडिया के साथ रिप्लेस किया ही जाता है, और मुझे लगता है कि एफआईआर का समय भी पूरा हो गया था। इन 9 सालों में आप सभी ने हमें जो प्यार दिया है उसके लिए मैं जितना शुक्रिया अदा आपका करूं उतना कम है, क्योंकि 1323 एपिसोड्स कोई कम एपिसोड्स थोड़ी ना है। वेल, एफआईआर के बंद होने के पॉसिबल रीजंस को जान लेने के बाद अब आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि क्या बाकी हिट शोज की तरह ही ये शो भी रिटर्न करेगा। तो देखो, जहां तक बात रिटर्न की है तो फिलहाल तक तो इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं हो रही है, पर साल 2020 में ऐसी खबरें जरूर आई थी कि एफआईआर का सीजन 2 आ सकता है। ई टाइम से हुई बातचीत के दौरान जब कविता से शो के रिटर्न के बारे में सवाल किया जाता है तो वो जवाब देते हुए कहती है कि उन्हें इस शो के सेकंड सीजन में काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये भी बताया है कि शो के मेकर्स सीजन 2 के लिए बात कर रहे हैं, पर ये कब पॉसिबल होगा फिलहाल तो ये कह पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कविता कौशिक के अनुसार हर कुछ महीनों में इस शो को दोबारा से शुरू करने की बात होती है, पर दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि उनकी जो प्रोडक्शन टीम है वो दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गई है। अब देखो, अगर एफआईआर फिर से स्टार्ट होता है ना, तब मेरा ऐसा मानना है कि ये शो पहले से ज्यादा हिट होगा ही, क्योंकि अब सिर्फ लोग कविता कौशिक को देखने इस शो में नहीं जुड़ेंगे, बल्कि अब उनके सामने एक और फनी एलिमेंट है, और वो है कीकू शारदा। जी हाँ, जो कपिल शर्मा शो की वजह से लोगों के बीच ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुके हैं। तो यार देखो, फिलहाल तो हम बस इस शो का वेट ही कर सकते हैं, उम्मीद है जल्द ही इसकी वापसी होगी। वैसे क्या आप भी सीरियल को देखा करते थे, हाँ या नहीं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।